आ रहा हूँ बचपन में। तो फाइनली कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और एक न्यू वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मूवी न्यूज वाली वीडियो में। तो फिर से आप सभी को देने वाला हूँ कुछ फिल्मों का अपडेट, जिनका रिलीज डेट को लेकर कुछ अपडेट आ चुकी है और कुछ का तो रिलीज डेट पोस्टपोन हो चुकी है। तो सभी बड़ी छोटी अपडेट देने वाला हूँ इस वीडियो में आप सभी। तो अगर आप भी फिल्मों में इंटरेस्टेड रखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस लिस्ट की पहली फिल्म होने वाली है सुपरस्टार जूनियर एनटीआर सर की फिल्म देवरा। यह फिल्म का रिलीज डेट पोस्टपोन हो चुकी है एंड न्यू रिलीज डेट सामने आ चुकी है निकलकर। तो चलिए आप सभी को बताते हैं, इस एक्शन बड़ी फिल्म को डायरेक्शन कोर्थला शिवा दिए हैं। इस फिल्म में हम सभी को सैफ अली खान विलन के किरदार को प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को पहले रिलीज करने वाले थे 5 अप्रैल को, लेकिन रिलीज डेट चेंज हुई और इस फिल्म का रिलीज डेट बढ़ाकर 10 अक्टूबर रखी गई। लेकिन फिर से फिल्म का रिलीज डेट पोस्टपोन हो चुका है। अब फिर से एक बार देवरा की रिलीज डेट बदल चुकी है। हालांकि इस बार मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन नहीं बल्कि रिपोर्ट किया है, यानी कि यह फिल्म पहले ही रिलीज होने वाली है 10 अक्टूबर से पहले ही। मेकर्स ने देवरा का न्यू पोस्टर शेयर करते हुए बताया कि यह फिल्म अब 27 सितंबर को रिलीज होगी सिनेमाघरों में। तो इंतजार रहेगा फिल्म का बेसब्री से। नंबर 2 पर बॉलीवुड के हल्क यानी कि सनी पाजी सर की एक फिल्म आने वाली है बॉर्डर 2, जो कि सनी पाजी सर की एक मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म होने वाली है और इस फिल्म का तो सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म का रिलीज डेट फाइनल हो चुका है, जी हाँ, जिसका अनाउंस खुद सनी देओल सर कर चुके हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए। तो चलिए आप सभी को बताता हूँ, 27 साल बाद फौजी अपनी अधूरी वादा पूरा करने के लिए आ रहा है। आप सभी को बता दूं, यह फिल्म 13 जनवरी 2026 को आने वाली है सिनेमाघरों में। फिल्म को आने में अभी काफी लंबा समय है, तो ऑडियंस को काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा फिल्म को देखने के लिए। लेकिन उससे पहले सनी पाजी सर की और एक बिग बजट फिल्म आने वाली है लाहौर 1947। वैसे बॉर्डर 2 में सनी पाजी सर के अलावा बॉलीवुड के यंग स्टार आयुष्मान खुराना भी नजर आने वाले हैं। फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं भूषण कुमार एंड डायरेक्शन दे रहे हैं फिल्म को अनुराग सिंह। नंबर 3 पर 4 बड़ी फिल्म आने वाली है एक साथ 15 अगस्त को, जो कि 4 सुपरस्टार भिड़ेंगे आपस में एक साथ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी फिल्म आ रही है और कौन कौन मैदान में उतर रहे हैं। तो 15 अगस्त को सिनेमा घरों में तूफान उठने वाला है। सबसे पहले तूफान उठने वाला है पुष्पा द रूल यानी कि पुष्पा 2 का। यह फिल्म 15 अगस्त के दिन रिलीज होने जा रही है। 2-3 दिन पहले अपडेट आया था कि यह फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है और रिलीज डेट इसका आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेकर्स की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है पोस्टपोन को लेकर। वैसे फिल्म की तरफ से 2 गाने आ चुके हैं जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है दोनों सॉन्ग। नेक्स्ट फिल्म होने वाली है बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार सर की सरफिरा। यह फिल्म 15 अगस्त को आ रही है। पहले यह फिल्म 12 जुलाई को आने वाली थी लेकिन पोस्टपोन हो चुकी है और इस फिल्म का रिलीज डेट आगे बढ़ाकर 15 अगस्त रखी गई है। यह एक रीमेक फिल्म है तमिल के सुपरस्टार सूर्या सर की सुरुवरु 2 का, जो कि हिंदी में उड़ान नाम से आई थी और यह फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो पर अभी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म होने वाली है जॉन अब्राहम सर की वेदा। यह फिल्म भी 12 जुलाई को आने वाली थी लेकिन अभी यह फिल्म 15 अगस्त को आ रही है। वैसे फिल्म को डायरेक्शन निखिल अडवाणी दिए हैं और इस फिल्म के अंदर हम सभी को श्रावणी, जॉन अब्राहम, तमन्ना भाटिया, अभिषेक बनर्जी जैसे बेहतरीन एक्टर काम करते हुए नजर आने वाले हैं। 15 अगस्त को ही और एक बड़ी फिल्म आने वाली है बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से ही, दिनेश विजय हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की तरफ से स्त्री 2। यह फिल्म स्त्री का सीक्वल होने वाला है, जो कि यह फिल्म स्त्री से यूनिवर्स का शुरुआत हुआ था। इस यूनिवर्स से स्त्री, रोहिणी, भेड़िया और अभी स्त्री 2 यानी कि 3 फिल्में आ चुकी है। स्त्री 2 4th फिल्म है यूनिवर्स का। इस फिल्म को डायरेक्शन अमर कौशिक दिए हैं। फिल्म के लीड रोल में हम सभी को श्रद्धा कपूर, तमन्ना भाटिया, राजकुमार रॉय, वरुण धवन, पंकज त्रिपाठी जैसे बेहतरीन एक्टर काम करते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये है 4 बड़ी फिल्में जो कि चारों में महा क्लैश होने वाला है 15 अगस्त को। वैसे आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि यह चारों फिल्म क्या वाकई 15 अगस्त को रिलीज होगी। मुझे तो नहीं लगता है, रिलीज डेट आगे पीछे जरूर होगा। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर आपका क्या राय है। नेक्स्ट फिल्म होने वाला है सिंघम अगेंस्ट। इस फिल्म का भी रिलीज डेट फाइनल हो चुका है।
जी हाँ, इसका भी रिलीज डेट इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर कर दिया गया है रिलीज डेट का। तो चलिए आप सभी को बताता हूँ, फिल्म में हम सभी को अजय देवगन एक बार फिर से पुलिस ऑफिसर बाजीराव सिंघम के कैरेक्टर को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। यह फिल्म पहले 15 अगस्त को आने वाली थी जो कि पोस्टपोन्ड हो चुकी है, लेकिन इस फिल्म का नया रिलीज डेट निकल कर आ चुका है जो कि दिवाली के मौके पर आ रही है इसी साल। पोस्टर में आप देख सकते हैं इस फिल्म को डायरेक्शन रोहित शेट्टी सर दिए हैं और स्टोरी को भी यही लिखे हैं। इस रिलीज डेट पर दिवाली के मौके पर कार्तिक आर्यन सर की भूल भुलैया 3 भी आ रही है सिंघम अगेंस्ट के साथ, जो कि दोनों के बीच क्लैश होने वाला है शायद। यह फिल्म में हम सभी को अजय देवगन सर, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, जेके श्रॉफ और अर्जुन कपूर जैसे बेहतरीन एक्टर काम करते हुए नजर आने वाले हैं। सिंघम अगेंस्ट रोहित शेट्टी की कॉफ यूनिवर्स का 5वीं फिल्म होने वाली है, तो इंतजार रहेगा इस फिल्म का भी बेसब्री से। फिल्म होने वाली है जूनियर एनटीआर सर की अपकमिंग फिल्म एनटीआर 30, जो कि यह फिल्म प्रशांत नील सर के साथ आ रही है। इस फिल्म की तरफ से एक छोटी सी अपडेट निकल कर आ चुकी है विलन को लेकर। वैसे आप सभी को तो पता है जूनियर एनटीआर सर फिलहाल में काफी बिजी जा रहे हैं वॉर 2 और देवरा मूवी में। वैसे देवरा मूवी तो ओके है, शूटिंग वूटिंग क्लियर है, लेकिन वॉर 2 में काफी बिजी जा रहे हैं जूनियर एनटीआर सर, इस फिल्म का शूटिंग कर रहे हैं फिलहाल में। लेकिन इसी बीच प्रशांत नील सर एक बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं विलन को लेकर। इस फिल्म में हम सभी को बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल विलन के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं, ऐसा अपडेट निकल कर आ रहा है। वैसे आप सभी को तो फिलहाल में पता ही है बॉबी देओल काफी ज्यादा बिजी जा रहे हैं और मार्केट में इनका डिमांड बढ़ चुका है विलन कैरेक्टर के लिए। देखते हैं अगर कुछ बड़ा अपडेट आता है तो आप सभी को जरूर बताएंगे इस फिल्म की तरफ से। शूटिंग वूटिंग को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। तो फाइनली ये थी कुछ बड़ी फिल्में जो कि रिलीज डेट और अनाउंस को लेकर न्यूज निकल कर आई थी हमारे सामने। वैसे इस लिस्ट में से आप कौन सी फिल्म का देखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।